केमिकल प्रॉपर्टी जो फिनॉल में रिएक्शन नंबर टू में दोस्त हम लोग फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में और मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनेगा और उस 1 डिग्री अमाइन का नाम दोस्त एनिलीन होगा आपका। तो रिएक्शन नंबर टू है हमारा दोस्त फिनॉल का रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करेंगे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। यहां पर देखिए दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में हमेशा एनिलीन बनता है। तो आखिर सर ये एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए दोस्त ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग और जब बेंजीन के रिंग पर जुड़ा हुआ हो बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ हो अमाइन ग्रुप तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एनिलीन। अब यहां पर देखिए दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग फिनॉल को लिए और रिएजेंट के रूप में हम लोग अमोनिया को लिए और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में जिंक क्लोराइड को ले रहे और टेम्परेचर हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे। तो देखिए दोस्त यहाँ पर दोस्त जो हमारा जिंक क्लोराइड है तो जिंक क्लोराइड का काम है हमारा दोस्त वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। तो जो वाटर मॉलिक्यूल को हटाता है ना उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन करा रहा है और डिहाइड्रेशन कराने वाले एजेंट को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो इससे हम लोग को यह पता चल रहा है कि जिंक क्लोराइड हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसका काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो फिनॉल से हम लोग दोस्त OH ग्रुप को हटाएंगे और अमोनिया से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है OH बेस है तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। ये हमारा बेंजीन का रिंग है यहां पर हम लोग दोस्त बेंजीन का रिंग बना दिए। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग और इस बेंजीन के रिंग में जुड़ जाएगा अमाइन ग्रुप। तो बेंजीन के रिंग में जोड़ दिया अमाइन ग्रुप। तो जब बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ हो अमाइन ग्रुप तो उस कंपाउंड को प्यार से अनिल बाबू बोलते हैं और अनिल बाबू का मतलब ये एनिलीन बनता है। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फिनॉल का रिएक्शन अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाएं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा एनिलीन बना। तो इस तरह दोस्त आज के रिएक्शन फुल HD में खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।